हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम नहीं स्टूडेंट्स, एडमिट कर रहा हूँ। करते जाएं अकाउंट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं काम। व्हाई जी आर यू जी लेट? बस बेटे, थोड़ा सा नेट इशू हो रहा था, दोनों नेट नहीं चल रहे थे। बस अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया है। चलें जी, ओपन अप योर बुक्स, नोटबुक्स। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। टुडे वी सर। आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। राइट सम फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। राइट सम फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। माउस दे दीजिए। राइट सम फैक्ट्स अबाउट। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल मार्क द अटेंडेंस। ओके, स्टार्ट योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गन सिस्टम्स। अब कल हमने देखा था स्टूडेंट्स, व्हाट आर ऑर्गन सिस्टम्स। व्हेन मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड कंबाइन इन अ टीम, एज अ टीम वर्क दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। ये डिफरेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स दिखाए गए हैं। जो सबसे पहला वो है हमारा ऑर्गन सिस्टम, दैट इज ब्रीदिंग सिस्टम, जो हम सांस लेते हैं, लंग्स। लंग्स, लेकिन ये सिर्फ अकेले लंग्स काम नहीं कर रहे, इसमें हमारे बहुत से दूसरे पार्ट्स हैं वो भी काम करेंगे, जैसे हमारा नोज, देन विंड पाइप है हमारा, सांस की नाली, एंड देन लंग्स। ठीक है, देन सेकंड वन डायग्राम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आप देखो हमारी सारी डाइजेस्टिव चीजें आ रही हैं, जिसमें खाने पीने का जो सारा सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी भी आवाज, जस्ट वेट, वो एरोप्लेन गुजर रहा है बेटा, वेट, वो सिग्नल इश्यूज हो जाते हैं ना। स्टूडेंट्स आज बस इतने ही हैं, 5 एम, एक और आ गए हैं फरहान अहमद, वेटिंग रूम। और कौन है वेटिंग रूम में? दो लोग हैं। हेलो, जी स्टूडेंट्स मार्क दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। जी बेटा, व्हाट आर यू आस्किंग? सम ऑफ द मेन ऑर्गन्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहां से स्टार्ट होगा आपका ऑर्गन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 जी, फर्स्ट क्वेश्चन आज का मैं करवा रही हूँ आपको बच्चों। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, जो आपके पेज पे स्क्रीन नजर आ रही है वहां से आप मार्क करना स्टार्ट करो। ऑर्गन सिस्टम, यहाँ से ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से आ गई। तो आगे कुछ एग्जांपल्स उन्होंने आपको दे दी। द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग सिस्टम, सेकंड वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? हमारे ब्रेन से रिलेटेड, जो मैसेजेस जा रहे हैं पूरी बॉडी में, रिलेट्स टू द ब्रेन। फोर्थ वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम? वो सिस्टम जिससे हमारी बॉडी
यूरिन बन रहा होता है जी, यूरिन बनता है जिसमें बॉडी में ना, हम पानी पीते हैं बहुत सारा दिन में वो ये के, और फिर कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि बॉडी से निकलने होते हैं, तो वो किडनीज हेल्प करती हैं इस काम को। एंड द लास्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारा ब्लड से रिलेटेड है, हार्ट, हार्ट एंड डिफरेंट वेसल्स। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर यू विल गिव आंसर टिल द एंड। Organs, can you see the page, students? Yes, ma'am. Organs work together. यहाँ से आप start करोगे. Organs work together. और one by one आप heading देते जाओगे हर system की. हम diagrams बनानी है? No, no. If you can draw any one system, ये तो बहुत ज़्यादा. तो फिर उसके बाद यू विल गिव हेडिंग्स, ब्रीदिंग ब्रीदिंग सिस्टम की हेडिंग देंगे और इसकी डिटेल थोड़ी सी जो है वो लिख दोगे आप। सर सिस्टम की लिखनी है जी, बिलो तक, बिलो, यस, बिलो तक करने के बाद यू विल गिव द हेडिंग ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम। जी बेटा सारे सिस्टम आएंगे फरहान, ऑल देयर इज वेरी शॉर्ट डिटेल, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें ना। नर्वस सिस्टम है, अगर मैं इसे बनाता हूँ तो मुझे पूरी बॉडी की नर्व्स बनानी पड़ेंगी। यस यू हैव टू ड्रॉ द नर्व्स, कुछ भी नहीं जैसे ब्रांचेस ड्रॉ हुई है वैसे करना आपने। फहद अली को मैंने फहद अली बेटा आपकी किसी और क्लास में होते हैं? फहद अली ग्रेड सिक्स? यस मैम होते हैं, मतलब पहले आता था और फिर ये कुछ दिनों के लिए, फिर तब ये फहद अली चले, मैंने अभी इन्हें एडमिट तो किया है, देखते हैं। मेरी क्लास में तो मुझे लग रहा है वेरी फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं आज फहद अली, इनकी पहले तो कोई अटेंडेंस नहीं है मेरे पास। स्टूडेंट्स मैं जरा अटेंडेंस पहले मार्क कर लूं। Mr. How many questions did you do today? Yes, two questions, students. ये आजान, आजान अली, मोहम्मद आजान अली is present today. बेटा just say present, all yes. of you. Okay, दानियाल हैदर. Present. सलमान शाहिद. Present. सलमान शाहिद is present. फैजान अली शहबाज. Present. Fazan Ali. Then Fazan Ali ke baad kaun hai? Ahmed Ali hai. Present. टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 मैंने मार्क किए हैं, और कौन कौन है यहाँ पे? भाई कांट पढ़ा रहे हैं जी, मैं रोहान खान भी हैं, रोहान खालिद, रोहान खालिद, Yes. रोहान खालिद, मोहम्मद रोहान मेरे पास नाम लिखा हुआ है। मैम हिज फुल नेम इज मोहम्मद रोहान खालिद जी। फैजान अली, रोहान खालिद, फहद अली, फहद प्रेजेंट, Fahad, you are first time entered in my class, isn't it? मैम आवाज नहीं सही आ रही क्या? मैम समझ नहीं आई आपने क्या कहा? बेटा आप very first time enter हुए हैं my class, in my class, Fahad. मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही।
अच्छा जी, हाँ नेट का प्रॉब्लम है मेरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मैम मुझे तो आ रही है सही जी, मुझे आप लोगों मुझे भी सही आ रही है जी। मैम मुझे तो सही आ रही है। आहत मैम कह रही है तुम मेरी क्लास में पहली दफा आए हो। मोहम्मद हमजा कासिम आज एब्सेंट आए थे, मोहम्मद हमजा कासिम। यस ओके जी। स्टूडेंट क्लास स्टार्ट की बेटा, वो थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था दूसरे से भी नहीं। ओके जी लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू डन दिस ऑल ऑफ यू? नो नो बेटा अभी टाइम नहीं होगा, आप अभी मार्क कर लो, यू जस्ट मार्क इट एंड देन थोड़ी सी देर दे बेटा, आफ्टर आफ्टर टेकिंग दिस पीरियड आप बाद में कर लीजिएगा ठीक है जी। जी आई एम गोइंग टू मार्क इट ना, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखने दे। कौन सा पिछले वाला? द लास्ट वन? ओके राइट सम फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। फरहान जी हो गया, चलें जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। हमारी जो आंख है बॉडी में उसके अपेरेंटली तो आपको सिंपल सी एक राउंड सर्कल नजर आता है अपनी आंख में, बट अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इफ यू वांट टू स्टडी इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, यू मे फाइंड मेनी मेनी डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स ऑफ एन आई। ठीक है तो अब हम देखेंगे वन बाय वन हाउ मेनी डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट दे डज फॉर योर आई, आपकी आंख के लिए क्या काम करते हैं। ठीक है स्टार्टिंग, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। आई से हम स्टार्ट करेंगे, आई इज बेसिकली योर सेंस ऑर्गन जी स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व इन द योर साइटिंग, आपको देखने में हेल्प करती है। ठीक है जी, अच्छा जी हु विल रीड दिस आई? हु विल रीड? फैजान अली कैन यू रीड? फैजान अली यस सेंस ऑर्गन्स सेंसेस मेक अस अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस एंड इन आवर ओन बॉडी। देयर आर फाइव सेंसेस साइट हियरिंग टचिंग स्मेल एंड टेस्ट। Each of these senses has its own sense organ. मतलब जितने भी senses हैं, उन senses को काम करने के लिए कुछ organ चाहिए, कोई part चाहिए body का। तो जो sight का sense organ है, sight means देखना, तो sight के लिए we need eyes। अल्लाह ताला blessed us with two beautiful eyes। ठीक हो गया जी, read the next। Eyes. Eyes are the sense organs of sight. Our eyes are in socket in the skull, which helps protect them from damage. जी. The eyes are held in place by muscles, which also move our eyes up and down and from side to side. Okay, just stop, Faizan. Eyes ki location kahan par hai students? Sockets in the skull. जी बेटा दानियल, व्हाट आर यू आस्किंग? सेंसेस से शुरू करना आंसर? नो नो, यू विल स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम आई। ओके जी, आई वाज आस्किंग अबाउट सॉकेट्स इन द स्कल, व्हाट डज इट मीन? डज एनीबॉडी नोस? जो स्कल में होते हैं जी, हमारे ये जो स्कल बोलते हैं, हमारे ये जो दिमाग की ये जो पूरे ऊपर खोपड़ी सी पड़ी हुई है ना, सख्त सी बोन
ठीक है, ब्रेन ब्रेन को जिसने कवर किया हुआ है, तो कह रहे हैं स्कल के अंदर छोटे छोटे से सुराख हैं, सॉकेट्स बोलते हैं होल्स को, उन होल्स में हमारी आंखें फिट हुई हुई हैं, ठीक है। और ये स्कल में अल्लाह ताला ने स्कल इसीलिए बनाई हुई कि हमारा ब्रेन, हमारी आईज जो है वो डैमेज ना हो किसी भी तरह के, अगर कोई झटका लगता है तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डैमेज। ठीक हो गया जी। फिजान रीड द नेक्स्ट लाइंस। We have two eyes a few centimeter apart. This helps us to judge distance and find the position of things easily. Each eye sees a slightly different image. The brain puts the two images together to give a 3D, three-dimensional effect. This is called stereoscopic vision. स्टीरियोस्कोपिक विजन, 3D इफेक्ट जो बनता है ना हमारे माइंड में इन दोनों आईज की वजह से, दिमाग जो है उसको फिर मैसेज देता है कि व्हाट डज इट द ऑब्जेक्ट इज, तो वो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। स्टूडेंट्स बेटा लीव, स्टॉप राइटिंग एंड लुक एट द स्क्रीन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। ऑल ऑफ यू आर attentive students, Azan Ali, which I look at the screen, look at the screen, all of you. Yes. Okay, this is the structure of an eye. Can you see all of on the screen? Yes. Okay. Yes. This is the structure of an eye. अब आपको आँख apparently तो ऐसी नजर आ रही होती है ना हमें अपनी आँख बाहर से ऊपर से, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर इसके हम वो वाला जो portion आपको ये वाला नजर आ रहा है ना वो basically ये वाला part है ऊपर से जो आप देख रहे होते हो बस। अब इसके अंदर अगर आप जाना शुरू करो तो यू कैन सी मेनी डिफरेंट पार्ट्स। तो सबसे पहला, इसके बाद पीछे पीछे नाम लोगे मेरे साथ, ठीक है, तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना दैट इज नोन एज कॉर्निया। क्या नाम है इसका, नाम लेते जाएं स्टूडेंट्स, कॉर्निया। जी, जो सबसे आउटर मोस्ट व्हाइट पार्ट, you can see the white part बाहर की तरफ जो नजर आ रहा होता है that is called cornea। cornea के अंदर आप देख सकते हो ये वाला second part, एक छोटा सा hole है, this hole is known as pupil, what does it call? pupil क्या काम कर रहा है, हमारी आंख में जितनी भी light enter हो रही है ना वो यहाँ से enter हो रही है, ठीक है, यहाँ से light enter हो रही है और लाइट को एंटर होने के लिए ये ऊपर और नीचे दो आपको नजर आ रहे हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द मसल्स। ये मसल्स कभी छोटे हो जाते हैं कभी बड़े हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। अगर लाइट ज्यादा हो तो आप अपनी आंखों को ऐसे छोटा सा कर लेते हो, कभी एक्सपीरियंस किया है ये कि एकदम लाइट आपकी आंखों में पड़े तो आप अपनी आंखें बंद करते हो? Yes. ना ये बिल्कुल Yes. ऐसे अपनी, तो वो इस वजह से होता है, थर्ड पार्ट आयरस की वजह से, आयरस आर द स्पेशल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं, ठीक है, और ये आंख में रोशनी की जो क्वांटिटी है ना उसको कंट्रोल करते हैं। इफ लाइट इज हाई तो ये ऐसे बंद होने की कोशिश, एक दूसरे के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं तो ये जो सुराख है छोटा हो जाता है पीपल। लेकिन अगर बहुत अंधेरा हो तो अपनी आंखें आप खोल ऐसे बड़ी बड़ी करके देखते हो, आंखें खोलते हो तो आयरस अपना साइज, ये वाला होल जो है ना आयरस सिकुड़ जाता है और होल बड़ा हो जाता है। So this pupil and iris, they combine together. They work इकट्ठे काम करते हैं। Iris के बड़े या छोटे होने से जो pupil का जो hole है ना, ये सुराख है, ये कभी बड़ा भी हो जाता है कभी छोटा भी हो जाता है depending upon the amount of light. उसके बाद आपको जी, उसके बाद आपको आगे एक lens नजर आ रहा है, lens like structure. जिस तरह आप बच्चों ने glasses लगाई होती है तो glasses में lens लगा हुआ होता है ना, उसी तरह से आई में भी अल्लाह ताला ने एक नेचुरल लेंस रखा हुआ है। अब जिन बच्चों की या बड़ों की आई साइट खराब होती है उसका मतलब होता है उनका ये जो मोस्टली उनका प्रॉब्लम क्या होता है, उनका लेंस का इश्यू होता है, उनका लेंस खराब होता है, ठीक है। अच्छा जी आगे आ जाइए, इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है जेली लेंस, ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया, जेली लेंस, दिस इज द फोर्थ, इसको फोर्थ नंबर पे ले जाए। देन आगे आ जाइए, हमने भी नंबर लिखने हैं। नहीं नहीं वो तो जस्ट मैं आपकी उसके लिए कर रही हूँ।
यहाँ पर ये जो आपकी आंख का जो व्हाइटिश पोर्शन है, आंख का देखो ना व्हाइट पोर्शन भी होता है, उसके बाद ये आई बॉल होता है अंदर, तो दिस व्हाइटिश पोर्शन इज फिल्ड विद वॉटर. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉटरी लिक्विड एंड जेली हेल्प द आई बॉल टू कीप. जी बिल्कुल, इसकी डायग्राम बनेगी. और इसकी बैक पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज रेटिना. दिस इज नोन एज रेटिना. क्या नाम है इसका? रेटिना. आपने अक्सर नाम सुना होगा आंख का पर्दा, सुना कभी अक्सर कि स्क्रीन है हमारी आंख के पीछे. yes. स्क्रीन पड़ी हुई है हमारी आंख के पीछे, जैसे टीवी की स्क्रीन होती है ना, तो दिस इज ऑल्सो अ स्क्रीन ऑफ आवर आई. और जितने भी लाइट आती है ना, लाइट इस लेंस में से पास होती है. लेट सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, कुछ भी पड़ा हुआ है, वहां से लाइट आपकी आईज में एंटर होगी, लेंस में से गुजरेगी और लेंस इस ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा कहाँ पर? इस रेटिना के ऊपर, ऐसे करके फोकस कर दे. सो रेटिना इज द मतलब बोलते हैं द मेन पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. ठीक है, ये हमारी आंख का स्क्रीन है, इट इज अ स्क्रीन ऑफ द आई. यहीं पर ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जब बनता है तो मैसेज इन नर्व्स के थ्रू, दीज आर द ऑप्टिक नर्व्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे स्टीरियोस्कोपिक विजन बनती है. या विजन तो यहाँ बनता है फरहान, विजन तो यहाँ बनता है. जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, उसका विजन यहाँ बनेगा रेटिना के ऊपर, लेकिन मैसेज पहले कहाँ जाएगा? दीज आर द ऑप्टिक नर्व्स. ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू मैसेज जाएगा ब्रेन तक. ठीक है, ब्रेन फिर उसका मैसेज वापस भेजेगा कि आप ये चीज देख रहे हो. लेट सपोज यू आर सीइंग अ ट्री, अगर आप किसी ट्री को देख रहे हो तो ट्री का यहाँ पे एक उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा. इमेज का मैसेज जाएगा ब्रेन तक बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स. ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स जो है वो मैसेज भेजेंगी, ब्रेन फिर उसको प्रिडिक्ट करेगा कि ये क्या चीज हम देख रहे हैं. वो फिर मैसेज वापस भेजेंगे कि इस ये इसको जो है ना, हम एक ट्री देख रहे हैं, तो फिर वो ट्री जो है हमें सीधा करके दिखाएगा ब्रेन. ठीक है, और हम फिर उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, वी आर सीइंग अ ट्री, हम एक ट्री को देख रहे हैं. क्लियर? यस. हु विल रिपीट दिस आंसर? इसका स्टार्टिंग फ्रॉम द आई, यहाँ तक आएगा आपने पैराग्राफ, तो यहाँ तक एंड हो जाएगा. देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन द इंटरलीफ पेज, जो वो एक ब्लैंक पेज होता है ना साइंस की नोटबुक में, उस पे आप ड्रॉ करोगे. यस. हु विल टेल मी द पाथवे? स्टीरियोस्कोपिक तक. जी, स्टीरियोस्कोपिक विजन. हु विल टेल मी द पाथवे ऑफ द मेकिंग ऑफ द इमेज ऑन द आई? फरहान आप रिपीट कर सकते हो इसको? लाइट कहाँ से एंटर होती है, किस पॉइंट पे जाती है और इमेज कहाँ बनता है? लाइट एंटर होती है लेंस. लेंस नहीं, एंटर होने के लिए सबसे पहले लेंस तक जाने के लिए बेटा उससे पहले किसी होल से गुजरना पड़ रहा है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस होल? प्यूपिल. आयरिस. नो नो, आयरिस तो मसल्स है ना जो कि इस प्यूपिल. बेटा इसको ध्यान से देखें, आप अपनी आंख को सामने से भी देख रहे हो, ये सामने का विजन नजर आ रहा है ना आंख का, तो अंदर आप अपनी कभी आंख को गौर से देखो. उसके एक तो आई बॉल होता है ना बड़े वाला, उसके अंदर एक छोटा सा भी, उसके अंदर एक छोटे छोटे साइज का भी एक पड़ा हुआ है आपके. अब कभी अभी आज ही बल्कि आपने आईज को ना बाहर सूरज की रोशनी में शीशे में लगा के, मतलब शीशे में देखो, एक बड़ा आई बॉल है, उसके अलावा एक छोटा भी बॉल पड़ा हुआ है उसके अंदर. दिस इज नोन एज प्यूपिल. ये जो सुराख है ना, जी ये जो होल है, दिस इज अ प्यूपिल. ठीक है, आयरस तो इस प्यूपिल को कंट्रोल कर रहे हैं. आयरस आर द मसल्स. ये जो बाहर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है बड़े वाला आई बॉल, दिस इज बेसिकली आयरस, और उसके अंदर जो छोटा आई ये जो बॉल है, दिस इज प्यूपिल. अच्छा जी, आगे चले फरहान. Light enters from the pupil, तो कहाँ जाएगी light? इस lens पर उसे देखेगा. Lens से light गुजरेगी. What happened? और screen चली गई है ना students? Yes ma'am. Just wait. Screen को क्या हो गया?
कोई मैंने क्लिक तो नहीं किया, ऑटोमेटिकली स्क्रीन ये आपको व्हाट्सएप आ गया। जी जी आप बोलते जाओ फरहान। तो मैम फिर वो रेटिना में लाइट जाती है और रेटिना इमेज बनाती है। ठीक है, रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई। रेटिना कौन सा पॉइंट है? वो आंख का पर्दा है, उस स्क्रीन पर जो है वो जो इमेज है वो बनेगा। मैम किसी ने लाइनें मारी। फहद फहद व्हाई आर यू ड्राइंग लाइंस? जी स्टूडेंट्स टुडे यू विल हैव टू डू द बोथ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7। जी दानियाल मैम ये आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है? नो ये ड्रॉप करना शुरू। अच्छा मैम जो पिक्चर आइरिस की बनाई हुई है उसमें एक तो वो व्हाइट वाला है, जो साइड पे वो होता है ना व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। जी जी ये वाला है वॉटरी लिक्विड। इसको वैसे स्क्लीरा बोलते हैं, आपकी बुक में इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बहुत से पार्ट्स तो मेंशन ही नहीं है ना, बिकॉज यू आर इन ग्रेड 6। व्हाइट पार्ट भी होता है, ये कॉर्निया क्या होता है? जी यही मैं आपको बताने लगी हूँ। कॉर्निया ये आउटर मोस्ट जो आपको बाहर से उभरा हुआ अपनी आंख का जितना उभरा हुआ पार्ट नजर आ रहा होता है ना, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट, आपकी आंख यहाँ से जितनी भी उभरा हुआ पार्ट है व्हाइट पार्ट बोल दो समझो इसको, व्हाइट इज द कॉर्निया। ठीक है, द टफ एंड क्लियर। मैम लगता तो ऐसे है कि प्यूपल वो कॉर्निया के साथ ही है, क्यों उसके पीछे होता? नहीं नहीं उसके साथ नहीं है, थोड़ा सा ये देखिए ये उभरा हुआ हमारी आंख बाहर की तरफ उभरी हुई है, ठीक है, और उसी में ही ये जो आपका आई बॉल है ना ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको समझ लो ये एक अलग पार्ट है, आई बॉल इज द सेकेंड पार्ट। आई बॉल में आपके प्यूपल और आयरिस दोनों चीजें नजर आ रही, आयरिस बाहर की तरफ है और प्यूपल उसके अंदर की तरफ है। ठीक है, दिस इज कॉर्निया। ठीक है, व्हाइट पार्ट इज कॉर्निया और आई बॉल जो है ना उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, बाहर आयरस है और अंदर की तरफ प्यूपल है। प्यूपल वो पॉइंट है जहां से लाइट अंदर एंटर हो रही है। ठीक है जी, जी अमर विशा इसके अंदर ब्लड होता है क्या? होता है जी बिल्कुल, यहाँ पे नर्व्स भी होती हैं। ये पूरी जो आउटर ये स्किन है ना आपकी, ये जो आईज की बाहर एक ये पूरा बना हुआ है इसकी मेम्ब्रेन, यहाँ पर आपको भी अपनी आईज को ऑब्जर्व करें बल्कि आज ही मिरर में, तो यू कैन सी वेरी माइन्यूट वेरी थिन कैपिलरीज ब्लड वेसल्स आपको नजर आएं। कभी आंख पे चोट भी लग जाए तो आप देखो आंख रेड हो जाती है, क्यों होती है? इसलिए कि वो उसमें ब्लड जो है ना वो सारा यहाँ आना शुरू हो जाता है। अक्सर आंख पे किसी के चोट लगी हो तो वो आंख वहां से जी जी तो व्हाइटिश पार्ट रेड हुआ होता है सारा, वहां पे ब्लड आ जाता है ना, यहाँ पे हमारे बिल्कुल कॉर्नर्स पे ब्लड वेसल्स होते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स? फिजान अली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स इन द आई? मिस ऑप्टिक नर्व जी, नर्व्स, नर्व्स से याद रखें, नर्व्स क्या काम करती हैं? सिग्नल लेकर जाती है ब्रेन तक। वेरी गुड, ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगी, कहाँ से सिग्नल लेकर जाएंगी? रेटिना वाले पॉइंट से, देखेंगे कि रेटिना पर क्या नजर आ रहा है तो वो सिग्नल लेकर जाएंगी ब्रेन तक, ब्रेन फिर उस जो इमेज यहाँ बना हुआ है उल्टा इमेज बना हुआ होता है, ठीक है, इन्वर्टेड, तो उसको सीधा करके हमें दिखाता है, हमें तो जी हमें तो वैसे इमेज सीधा ही नजर आता है ना, जो चीज देखते हैं हमें सीधी नजर आती है, हालांकि इमेज आई ये जो पीछे है ना हमारी स्क्रीन उस पर उल्टा बन रहा होता है स्टूडेंट्स, लेकिन इस उल्टे इमेज को ब्रेन हमें सीधा करके बताता है कि ये चीज है आप ये देखो। ठीक है, तो वैसे उल्टा क्यों बनाता है, वो सीधा ही बना रहा बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस जो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है ना, तो लाइट जब इसमें एंटर होती है ना तो ये भी आप 10th क्लास में पढ़ोगे लेंस पे। नहीं ये तो नहीं अली, वो मेरा टाइम ही अब स्टार्ट हुआ था ना, वो 10-10 मिनट के बाद है ना, कोई बात नहीं मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। अच्छा मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो रही है ना? ओके ओके, 2 मिनट अच्छा चले मैं देखती हूँ।
चले जी स्टूडेंट्स, आई हैव टू टेक अनदर क्लास आफ्टर दिस ना, तो 2 मिनट्स रह गए उसके लिए. यू प्लीज इसको कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को. आपने मार्क करवा दिया? मार्क करवा तो दिया बेटा मैंने आपको. आप इसको पहले एंड करें फिर ये वो. अहमद बेटा आईज से स्टार्ट करके स्टीरियोस्कोप विजन तक, स्टीरियोस्कोपिक विजन तक जाइए, यहाँ तक जहाँ मैंने मार्क किया हुआ. अब ये कौन गंदा बच्चा है, कौन गंदा बच्चा है जो ये काम कर रहा है? मिस्टीरियोस्कोपिक विजन जी. और देन यू विल ड्रॉ द डायग्राम. मैम उसमें कोई कटिंग नहीं होनी क्वेश्चन में? तो ये कॉर्निया और ये पिपल ये वगैरह नहीं लिखना? ये सबके बेटा लेबलिंग करनी है आपने बिल्कुल. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि जब आप कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो यू हैव टू लेबल इट एज वेल. तो लेबल तो करोगे ना साथ साथ? आपकी मर्जी है, एनी वन सिस्टम यू कैन ड्रॉ, जो आपको इजी लगे आप बना लो. ठीक है? और ये लेबलिंग फुल करनी है आपने, मतलब वो उस इंटरलीफ पेज पर ही लेबलिंग करोगे, प्यूपल लिखोगे और उसके अंदर ये वाले पॉइंट लिख दोगे. ठीक है? ये लाइनिंग वाले पेज पे कुछ नहीं लिखना, ये इंटरलीफ पेज पे ही सारी लेबलिंग आएगी फुल. चलें जी बेटा अल्लाह हाफिज, आई हैव टू टेक अनदर क्लास. ओके.